दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स हमेशा मिलते रहे। अगर आप मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर टूल, सॉफ्टवेयर टूल्स, केबल्स परचेस करना चाहते हैं तो विज़िट करें हमारे वेबसाइट mmitgsmtool.com पे। ये बिल्कुल ही ट्रस्टेड वेबसाइट है। यहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी भी ऑप्शंस मिल जाएगा, तो ज़रूर विज़िट करें mmitgsmtool.com पे। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मास्टर मेमोरी टीवी में। दोस्तों, आप में से काफी व्यूअर्स ऐसे हैं जो हमेशा ये पूछा करते हैं कि अगर उनको कोई प्रोडक्ट परचेस करना है तो ईएमआई ऑप्शन पे मिल सकता है क्या। तो दोस्तों, ये बने रहो इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं कि अगर आप ईएमआई ऑप्शन पे जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं। इसके रिलेटेड, जैसे ईएमआई के रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका भी जवाब इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट दोस्तों, हम बात करते हैं कि अगर आप ईएमआई ऑप्शन पे प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए दो तीन चीज आपको पहले जानना चाहिए जो आपके जरूरत की होगी। फर्स्ट दोस्तों, अगर हम बात करें तो ईएमआई ऑप्शन जो आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका मिनिमम वैल्यू आप 10,000 के ऊपर ही रखें। अगर 10,000 के ऊपर वाला कोई प्रोडक्ट है उसको ही आप ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं, या तो दो तीन आइटम अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है जो 10,000 के ऊपर अमाउंट हो चुका है उसे भी आप ईएमआई पे कन्वर्ट करा सकते हैं। सेकंड दोस्तों, हम बात करते हैं कि ईएमआई ऑप्शन के लिए अगर आप ईएमआई पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। जैसे एक तो क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप ईएमआई ऑप्शन ले सकते हैं। दूसरा होता है डेबिट कार्ड के थ्रू ईएमआई ऑप्शन ले सकते हैं। ऐसे दोस्तों काफी और भी ऑप्शंस होते हैं, बट दोस्तों अभी फिलहाल के लिए हम दो ऑप्शन पे देख रहे हैं। तो दोस्तों, अब दो चीजों पे आप ईएमआई कन्वर्ट करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो आप तो इजिली आप ईएमआई कन्वर्ट करा सकते हैं, बट दोस्तों अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से अगर आप ईएमआई कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सिबिल स्कोर सही नहीं है, यानी 700 समथिंग कुछ आपका सिबिल स्कोर होना चाहिए, कि 700 के ऊपर अगर आपका सिबिल स्कोर होता तो जाके आप एलिजिबल होते हैं लोन ईएमआई के कन्वर्ट कराने के लिए। बट अगर दोस्तों उसका सिबिल स्कोर आपका अगर अच्छा नहीं है तो उस पर आपको ईएमआई ऑप्शन कन्वर्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलने वाला। तो चलो दोस्तों, हम ये देखते हैं पहले कि अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू अगर आप ईएमआई ऑप्शन कन्वर्ट कराना चाहते हैं, ईएमआई पे कोई प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो कैसे परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ईएमआई ऑप्शन पे जाना है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट परचेस करना है तो आप सबसे पहले विजिट कर ले हमारे वेबसाइट mmitgsmtool.com पे। अब जैसे ही mmitgsmtool.com पे विजिट करते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों वहां पे कैटेगरीज दिया हुआ है आपको, जिसमें आपको एक्टिवेशन बॉक्स एंड डोंगल केबल्स और पूरे वेराइटीज आपको दिया हुआ है कि आपको जो चीज परचेस करना है डायरेक्टली आप उसके अंदर जाके आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट दोस्तों, आपको जो भी प्रोडक्ट अगर आपको परचेस करना है आप यहां से आप इजीली देख सकते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट परचेस करना है और उसे ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल के लिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने एग्जांपल के लिए कुछ प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, जिसमें यूएमटी प्रो डोंगल है, सोल्डरिंग स्टेशन है, मिरेकल थंडर है। ये मैंने एग्जांपल के लिए बस आपका प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट किया है कि मैं आपको समझा सकूं कि ईएमआई ऑप्शन पे कैसे आप जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैंने ये जो पूरा टोटल हुआ है इसका आप देख सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट कितने का है, और यहाँ पे शिपिंग चार्जेस लेके यहाँ पे पूरा टोटल हुआ है 29,790 रुपीज़। तो दोस्तों, यहाँ पे ये मैंने 29,790 रुपये का यहाँ पे प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। मान लेते हैं दोस्तों कि यही अमाउंट को हमको ईएमआई में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल इसका जो अमाउंट था वो था 28,748 रुपीज़। तो इसका 150 रुपीज़ आपका एडिशनल जो शिपिंग चार्जेस होता है, कूरियर चार्जेस, वो लेके आपका टोटल हुआ है 28,898 रुपीज़। तो दोस्तों, यहाँ पे जब आप प्रोसेस एंड चेकआउट करोगे तो दोस्तों आपको ये जो पेमेंट गेटवे पे, आप रिजर्व पे के पेमेंट गेटवे पे आप पहुंच जाओगे। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आप रिजर्व पे के पेमेंट गेटवे पे हो। तो पेमेंट गेटवे पे दोस्तों आप देखेंगे वहाँ पे आपको काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है फर्स्ट थिंग। तो
अगर आप डायरेक्टली पेमेंट करना चाहते हैं, और यूपीआई का ऑप्शन मिल जाता है, इंटरनेट बैंकिंग है, वॉलेट है, और उसके वॉलेट के जस्ट नीचे आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा ईएमआई ऑप्शन। आपको दोस्तों ईएमआई ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ईएमआई ऑप्शन पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है ईएमआई वाया क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। तो दोस्तों आपको यहाँ से समझ में आ ही गया होगा कि ये ईएमआई ऑप्शन जो दो वे से आपको मिल रहा है, एक तो क्रेडिट कार्ड के वे से मिल रहा है और दूसरा आपको मिल रहा है डेबिट कार्ड के थ्रू। तो दोस्तों जैसे ही आप वहाँ पे ईएमआई ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो सबसे पहले आपको दोस्तों मोबाइल नंबर अपना डाल के आपको वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर आपको वहाँ पे मोबाइल नंबर आपको एंटर करना होगा, उसमें आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आपको नंबर को वेरीफाई करना होता है। जैसे ही आप नंबर वेरीफाई करेंगे वैसे ही आप ईएमआई के पेज पे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ईएमआई के पेज पे, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, अगर आप ईएमआई के पेज पे आ गए हैं तो दोस्तों आप वहाँ पे ईएमआई प्लान्स जरूर देख लें। इसमें प्लान्स में अगर आप देखना चाहेंगे तो प्लान्स, जैसे ये मैंने 29,000 का जो हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 3 मंथ्स के लिए यहाँ पे टोटल दिया हुआ है कि कितने मंथ्स के लिए आप ले सकते हैं, और इंटरेस्ट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, और मंथली इंस्टॉलमेंट कितना जाएगा, और टोटल मनी आपका कितना लग रहा है, यानी टोटल पैसा कितना लगने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 मंथ का ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आपका 12% लगेगा, 6 मंथ का ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 12% इंटरेस्ट लग रहा है, और 9 मंथ का देखेंगे तो ऐसा 14% इंटरेस्ट लग रहा है। तो ये जरूर आप ध्यान दे दें कि आपका कितना इंटरेस्ट लगने वाला है। आप जितने मंथ के लिए लेंगे, जितने लंबे मंथ के लिए लेंगे उतना इंटरेस्ट आपका ज़्यादा लगने वाला है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप ऊपर के साइड में देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन दिख रहा है सिलेक्ट बैंक। तो दोस्तों ये आप जरूर ध्यान दें कि आप अपना बैंक जो है उसे ही सिलेक्ट करें। अब दोस्तों यहाँ पे और एक बात है कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो कार्ड के ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमेरिकन एक्सप्रेस का ऑप्शन दिया हुआ है, एक्सिस बैंक का ऑप्शन दिया हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑप्शन दिया हुआ है, सिटी बैंक है, HDFC क्रेडिट कार्ड है, और ICICI बैंक का है। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं आप उसमें से ही आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपके पास कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो आप उसे सिलेक्ट नहीं कर सकते, उसमें ऑप्शन में नहीं जा सकते। तो अगर दोस्तों आपके पास ये ऑप्शंस है तभी आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ये ईएमआई पे कोई प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था अगर आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो इसके बेस पे आप जाके अपना चेक कर सकते हो कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो क्रेडिट कार्ड पे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप इजीली ले सकते हो, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेन जो इश्यूज आते हैं वो डेबिट कार्ड के लिए आते हैं। तो डेबिट कार्ड पे अगर आप ईएमआई ऑप्शन देख रहे हैं तो आपको उसमें कुछ सिलेक्टिव बैंक ही हैं जिसमें आप ये ऑप्शन दिया हुआ है अभी के लिए कि डेबिट कार्ड से जो ईएमआई ऑप्शन है वो कुछ ही बैंक के पास ऑप्शंस है। जैसे आपने इमेज पे देखा ही कि इसमें कौन कौन से बैंक आपको मिलने वाले हैं जिसमें आपको ये फैसिलिटीज दी हुई है, चाहे वो कोई भी साइड हो, चाहे आप अमेजोन से ही क्यों ना परचेस करें वो साइट से, लेकिन उस पर भी कुछ सिलेक्टिव बैंक होते हैं जिसमें आपको वो ऑप्शंस मिलता है। वैसे ही सेम ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये सब बैंक्स ऐसे हैं जो डेबिट कार्ड पे आपको ईएमआई कन्वर्ट करके देते हैं। बाकी और भी बहुत सारे बैंक है जो डेबिट कार्ड तो देते हैं बट उनके पास ये ईएमआई का ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों आप ये क्लियर है कि इसमें से ही आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए तो ये आपको इसमें आपको ईएमआई पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस के रिलेटेड पूछे जाते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों अगर आप जैसा एक पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरे पास बजाज फाइनेंस का कार्ड है तो उस पर मुझे मिल सकता है क्या, या तो आप बजाज फाइनेंस पे आप लोन करा के दे सकते हैं क्या। तो दोस्तों ये अभी पहले कोविड के पहले ये सब चीज़ें कोविड के पहले तो बजाज वाले कुछ प्रोडक्ट पे करके दे रहे थे, इंश्योरेंस करके दे रहे थे। इंश्योरेंस को आप पहले करना होता था उसके बाद आप उस पर ये करा सकते थे, ईएमआई कन्वर्ट करा सकते थे। बट दोस्तों अभी फिलहाल वो सब बंद हो चुका है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपके पास बस यही एक ऑप्शन बचा हुआ है। जैसे ही अगर दोस्तों बजाज का भी ऑप्शन चालू होता है तो मैं आपको जरूर कंफर्म कर दूंगा, उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप बजाज के थ्रू भी ईएमआई पे कन्वर्ट करके आप प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए तो दोस्तों अभी यही एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा वीडियो था, काफ़ी लोग ऐसे क्वेश्चंस कर रहे थे, काफ़ी लोग ऐसे पूछ रहे थे कि ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल है क्या, तो मैंने सोचा इस पर छोटा सा एक वीडियो बना दूँ जाके आपको क्लियरली समझ में आ सके कि इसमें आपको अगर
EMI पे कन्वर्ट करना है तो आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है प्रेजेंट टाइम पे। तो दोस्तों बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप अभी हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।